So good morning children, this is poem 5 for class 8. I am explaining here poem 5, the school boy. This is poem 5 for class 8, the school boy, written by William Blake. William Blake is a great romantic poet of British literature. Romantic poet किसको बोलते हैं? 18th century का last, 19th century में, इस time 1837 to 1799, first part of 19th century. इस time British literature में एक turning point आया था. That is what you may call कि industrialization पर के बाद humans का imagination खत्म हो गया था. तो इस time के writers and poets जो सो पोएम प्रोज स्टोरी लिखे थे वो इमेजिनेशन से लिखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. रोमांटिसिज्म दैट इज एंचेंटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, मेडिवल स्टोरी को रिवाइव करते थे, तो इसीलिए इस टाइप का पोएम को रोमांटिक पोएट बोलते हैं. तो विलियम ब्लेक इज ए रोमांटिक पोएट. And here you will find the story of a school boy who is what he desired and what happened, a contrasted image. And that is what given here in the poem. So let's start line wise the poem. The school boy in the poem is not a happy child. Most of the school boy happy nahi hote. Burden of study, strict discipline, always suggestions and care from parents and teachers. That is what thing most of the reason of their unhappiness. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a burden that lives in a cage or a plant that wither when it should bloom? तो वो खुद के साथ एक बर्ड्स के साथ कंपेयर किया जो एक पिंजरा में बंद है, या एक प्लांट के साथ जिसका खिलने का टाइम है उस टाइम वो सूख जा रहा है. इस टाइप को खुद को कंपेयर किया ये पोएम में. तो लेट्स स्टार्ट लाइन वाइज. इसमें 5 स्टेंजा में दिए हुए हैं. स्टेंजा पोएम का जो पैरा होता है उसको स्टेंजा बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट लाइन वाइज. I love to rise in summer morn. Morning को medieval period में English में morn बोलते थे. तो morning, summer morning में सुबह उठने वो पसंद करते थे. When the birds sing on every tree, सब पेड़ में चिड़िया सुबह सुबह गाना गाते हैं. और उस टाइम राइट पोएट को यदि पोएट दैट इज द स्कूल बॉय को जागने के लिए अच्छा लगता. The distant herdsman, झोपड़ी में रहने वाला दूर में हार्ट्स जो जंगल किनारे या मे बी ग्राउंड के लास्ट में अकेला घर में रहते हैं, विंड्स हिज हॉर्न, उसके उसको मूव करा रहा है कौन? विंड्स हॉर्न को. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. स्काईलार्क वन टाइप ऑफ बर्ड्स जो उसके साथ गाते. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. दैट इज व्हाट इट इज एन एंचेंटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर प्रेजेंटेड हियर. Enchanting, तो बहुत सुंदर एक नेचर का, एट्रैक्टिव नेचर का प्रेजेंट किया, जहाँ पर बर्ड्स गाना गाएंगे मॉर्निंग में, समर मॉर्निंग में उठेंगे, जहाँ पर हार्ट्समैन जो अकेला झोपड़ी घर में रहते हैं दूर में, जहाँ पर हवा में उसका घर का हॉर्न को मूव कराएंगे. बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, बट स्कूल जाना ये सुबह उठ के, दैट इज रियली बोरिंग थिंग्स. एंड दैट्स वाई द चाइल्ड वॉज नॉट हैप्पी. But that is what first stanza tells about his imagination. What he desire? What he desire? But in the second stanza again contrasted here. उसको स्कूल जाना पड़ता और वो things बहुत boring लगता है. And that is why. Oh, it drives all joy away. यही स्कूल जाना जो सब खुशी को मार देते, दफना देते हैं ना. And under a cruel eye outward. क्रूएल आई मे बी टीचर का और पेरेंट्स का. स्कूल नहीं जा रहा है तो पेरेंट्स का क्रूएल गुस्सा से देख रहा है, या टीचर स्कूल नहीं आएंगे तो डांट पड़ेंगे. तो दैट इज व्हाट ए क्रूएल आई. द लिटिल वन स्पेंड द डे. तो दिन भर स्कूल में टीचर के वही क्रूएल गुस्सा से देखने हुआ आई के पास है, इन शाइंग इन डिसमे, रोते रोते और एकदम मन नहीं है, डिसमे टोटली बट अनवॉन्टेड थिंग्स. दैट इज व्हाट. ओह दैट एट टाइम्स अ ड्रॉपिंग सीड and spend many an anxious hour, excited hour, कि what will happen, वे worried mind में wait करते रहते. Nor in my book can I take delight, but ये आनंद ये खुशी उसको book में नहीं मिलता. Nor sit in learning bowers, ये सब पढ़ते पढ़ते उसको खुश नहीं लगता. Worn through with the dreary shower, ये
जो बावर जिसमें ये शावर में ड्रेयर सूखा बारिश में भीगा बारिश में आके उसको भीगा दिया, इस टाइप का थिंग्स में वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जो बर्ड्स फ्री आज़ादी के लिए पैदा हुआ है, सिट इन ए केज एंड शेम, एक पिंजर में बंद होकर गाना गा सकते नहीं गा सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनोइंग, जब डरते हैं गुस्सा, बट ड्रॉ हिज टेंडर विंग्स, उसका छोटा छोटा पंखा को पंख फीजर्स को काट दे एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत काल, ए फुल ऑफ वाइटलिटी एनर्जी सिंगिंग। तो एक जो स्प्रिंग सीजन के लिए पैदा हुआ है उसको इसी टाइप का पिंजरे में बंद करके रखे, दैट इज व्हाट नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट द चाइल्ड डिजायर्ड हियर। नेक्स्ट, ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेप्ट, बर्ड्स आर नेप्ट, नेप्ट हियर समथिंग इन द बर्ड और इज टू टॉप, दैट बर्ड्स किसको मुझे पता है, एक जो पौधे होते हैं उसका फ्रंट में दो पत्ता जब खिल के उसका आगे ग्रो होते हैं उस पोर्शन को बर्ड्स बोलते हैं। तो ये बर्ड्स निप्ट, उसको अगर उसमें अगर वो छोटा छोटा पत्ता निकले हैं एंड ब्लूजूम ब्लाउन है वह, और जो खिलने वाला है उसको निकाल देना, ब्लाउन है वह हटा तोड़ देना, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, ऑफ देयर जॉय, इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज व्हाट द पोएट वांटेड टू से, अगर प्लांट्स से अपना खुशी हटा लिया इन द स्प्रिंग डेज, बसंत टाइम, उस टाइम वो फ्लावर खिलेंगे, पत्ता गिरेंगे, उसमें पेड़ चिड़िया आके बैठेंगे, गाना गाएंगे, सो दिस इज द नेचुरल जॉय ऑफ ट्रीज इन स्प्रिंग सीजन। तो अगर उसे ये सब ले लिया जाए तो क्या होंगे, बाय सॉरो एंड केयर डिसमे, उसको दुख भर जाएंगे, क्या उसको कोई क्या नहीं कि, दैट इज व्हाट एक रिजेक्टेड थिंग्स दैट अपीयर्स टू बी, हाउ शेल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो इस सीजन में इस टाइप का पेड़ प्लांट सूख जाएंगे, वो चिड़िया को पिंजरे में रख देंगे, तो उसमें समर कैसे आएगा और कैसे फ्रूट्स आएंगे अगर पेड़ सूख जाएंगे तो। तो दैट इज व्हाट द बॉय हियर प्रेजेंटेड, दैट द बॉय इज अनहैप्पी, ही वांट फ्रीडम एंड he want freedom and a natural beauty where summer season full of flower, fruits, birds singing, this is the description of spring season, spring and summer, that is what combined season here suggested, यही होता है। यूरोप में mostly summer season beautiful लगता है क्योंकि वो नॉर्थ पोल में है और नॉर्थ पोल में समर ऐसे कम होते हैं, एंड दैट्स व्हाई द पोएट डिजायर्ड ए समर, ब्यूटीफुल समर सीजन, एंड दैट इज व्हाट द पोएम अबाउट।